Hello children, today we will do chapter 4 growing up as boys and girls, civics class 7th. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. क्या कहना चाहिए कि boys और girls जो होते हैं हमारी एक identity, special identity होती है. जैसे कि हम अपने आसपास बोलते हैं कि ये बॉय है एंड ये गर्ल है, वो स्पेशल आइडेंटिटी होती है. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमें टीच किया जाता है अदर चीज़ों से, बिहेवियर से हमारे वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम बॉय हैं एंड गर्ल्स हैं. व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, और ये हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. जैसे कि बॉयज़ को क्या काम करना है एंड गर्ल्स को क्या काम करना है और क्या नहीं करना है. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली दैट सेम एवरीवेयर. और आप सोचते होंगे कि हम साथ साथ बढ़ते हैं तो क्या एग्जैक्टली हमारे साथ सेम बिहेवियर किया जाता है क्या. बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इज द सेम बेस. और सोसाइटी में भी बॉयज़ और गर्ल्स को एक सा ही माना जाता है या एक सा ही देखा जाता है. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे और इस बारे में पढ़ेंगे. वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइंड टू बॉय एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वूमेन. हमारी सोसाइटी में या हमारे घर में शुरू से ही हमसे बॉयज़ एंड गर्ल्स से इस टाइप से उनको प्रिपेयर किया जाता है कि फ्यूचर में उनको क्या रोल करना है. जैसे कि बॉय बड़ा होकर मैन बनेगा या गर्ल्स जो बड़ी होकर वूमेन बनेगी, उस टाइप से उनको शुरू से ही बोला जाता है और उसको उस टाइप से उनको सिखाया जाता है. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. बहुत सारी सोसाइटीज़ में मैन और वुमेन के जो काम करते हैं मैन और वुमेन, उनकी जो वैल्यू होती है उसको डिफरेंटली लिया जाता है. जैसे कि मैन की वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है और वुमेन की कुछ कम. द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस देन द रोल मैन प्ले एंड द वर्क दे टू. कहना चाहिए कि जैसे कि बॉय और अरे वुमेन और मैन है, दोनों एक ही जगह काम करते हैं बट वही काम करते हैं दोनों, बट मैन के काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी लेस देन वुमेन के. This chapter will also examine how equalities between men and women. इस chapter में हम इसी inequalities के बारे में, दोनों men और women की qualities inequalities के बारे में पढ़ेंगे. Emerge in the area of work और हम इनके काम के बारे में पढ़ेंगे. Growing up in in 1920s, the Somons Island are part of a large group of small island in the southern part of Pacific Ocean. Pacific Ocean के southern part में एक Somon Island है जो कि छोटे छोटे भाग हैं islands के, उनका एक छोटा सा part है Somon Island. In 1920s, according to research report on Somon सोसाइटी, और 1920s में एक रिसर्च की गई उसकी रिपोर्ट के अनुसार सोमैन सोसाइटी के बारे में देखते हैं. चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल. 1920s के टाइम पर वहाँ के चिल्ड्रन जो होते थे वो स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स. वहाँ पर घर पर ही रहकर वहाँ के बच्चे बहुत सारी कुछ चीज़ें घर पर ही सीखते थे, जैसे कि अपने छोटे भाई बहनों को की देखभाल करना, घर के काम में हाथ बटाना एंड बड़े चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे होते उनके साथ उनके जैसा काम करना सीखते थे. फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइसलैंड. वहाँ के आइसलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी फिशिंग करना. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन. जो यंग पीपल होते थे वहाँ के वो फिशिंग का काम करते थे. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. और ये
बच्चे भी थोड़े बड़े होते थे और वहाँ के बच्चे फिशिंग का काम स्टार्ट कर देते। एज सून एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, जैसे ही जो बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे बेबी, जैसे ही वो चलना स्टार्ट करते हैं और उनकी माँ एंड अदर जो बड़े बड़े लोग होते हैं घर के, वो उनको उन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि माँ ने और अदर लोगों ने उसको उस पर ध्यान देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो छोड़ देती हैं, तो जो 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ जाती है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, और बॉयज़ एंड गर्ल्स, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 9 ईयर ओल्ड ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। जैसे ही बच्चा 9 ईयर ओल्ड होता है और उसको अदर लोगों बड़े लोगों के साथ बाहर भेज दिया जाता है फिशिंग एंड कोकोनट की प्लांटिंग सीखने के लिए। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू अर्न फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स, और गर्ल्स अपना काम उसी तरह करती रहती हैं अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना जो वो पहले कर रही थीं, और जब तक वो टीनेजर्स नहीं हो जाती वो यही काम करती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, और जैसे ही वो टीनेजर हो जाती हैं उनको बाहर का काम भी दे दिया जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स, जैसे ही वो 14 एज की होती हैं और गर्ल्स को भी फिशिंग का काम ट्रिप पर भेज दिया जाता है। वर्कड इन द प्लांटेशन लर्नड हाउ टू वेव बास्केट कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वेयर सपोज्ड टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशन, और जैसे ही वो 14 की होती हैं उनको फिशिंग का ट्रिप पर भेज दिया जाता है और उनको प्लांटेशंस के बारे में लर्नड कराया जाता है, बास्केट बनाना सिखाया जाता है, कुकिंग सिखाई जाती है और स्पेशल घर पर भी कुकिंग सिखाई जाती है उनको, और बॉयज सपोज टू डू मोस्ट वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विथ द प्रिपरेशन, और जो फिशिंग का काम प्लांटेशन का काम होता है बड़े लोगों की ये गर्ल्स जो होती हैं वो हेल्प कराती हैं अदर काम में।